व्यूअर्स, हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ही केक जेल बनाना सिखाया था, जो कि बहुत ही सस्ता में बन गया था मात्र 10 रुपये में। और इसी से ही हम आपको जेल एडिबल ग्लिटर्स बनाना सिखाएंगे, जो कि मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। मात्र 5 रुपये में आप एडिबल ग्लिटर्स बनाएंगे, जो केक डेकोरेशन में बहुत काम आता है। ये देखिए व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ये देखिए व्यूअर्स, केक जेल जो हमने बनाए थे 2 कलर के, रेड और ग्रीन, इसकी रेसिपी आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने ये जेल केक बनाया है, जो हमने कॉर्नफ्लोर से बनाया था। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया था। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए, इसको हमें एक बटर पेपर ले लीजिए, या कोई भी शीट जो होती है आपको रेडीमेड सूट में, जो आपकी शीट आती है, देखिए हमने शीट ले ली है, घर में पड़ी हुई थी। इस तरीके से हम स्पून की हेल्प से इसे स्पैचुला से फैला लेंगे। इसको ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा मोटा करना है। मोटा करेंगे तो आपको ये बहुत देर में सूखेगा, पतला करेंगे तो इसे उखाड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए, बिल्कुल ऐसी लेयर बनानी है, और इसको सुखाने के लिए रख देना है फैन के नीचे। ऐसे ही हम अपना ग्रीन वाला को भी बना लेते हैं दूसरी शीट पर। तो हमने इसे फैला लिया है, अच्छे से इसको इवन कर लेंगे सब जगह से, क्योंकि मोटा होगा तो काफ़ी देर में सूखेगा। व्यूअर्स देखिए, इस तरीके से शीट पर हम इसे फैला लेंगे। इसी तरीके से ये बन जाते हैं, बहुत ही ईजी रेसिपी। आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से ये एडिबल ग्लिटर बन गए हैं। अभी देखिए, हमने इसे फ़ैन के नीचे रख दिया था और ये ओवरनाइट, तो हमने मॉर्निंग में देखा है तो ये बिल्कुल कड़क हो गए सूख के। और ये देखिए किस तरीके से हट रहा है, इस तरीके से हट जाएगा, शाइन आ रही है बिल्कुल। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इससे ये एडिबल ग्लिटर बनेगा, वो कितना आसानी से बन जाता है। मार्केट में काफ़ी महंगे होते हैं ये। और ये देखिए, इस तरीके से इसको हटा लेंगे, सारे जो इसकी पीसीज हैं टूट टूट के आ जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसके ग्राइंड करना है। ये देखिए, सारे पीसीज हमने इसमें से उखाड़ लिए हैं। अब हमें एक बिल्कुल सूखा जार लेना है, इसमें ज़रा सा भी पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो ग्लिटर है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर हो तो आप टिश्यू से पोंछ लीजिए, कहीं भी मॉइस्चर हो या पानी हो। तो इस तरीके से इसको इसमें डालेंगे और इसे हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे अपने ग्राइंडर में। ये देखिए, तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके जार में। और देखिए, इसे पीसने के बाद बिल्कुल फाइन इसका ये पाउडर बन गया है। और ये देखिए, हमारा ये एडिबल ग्लिटर बन गया है, कितना आसानी से हमने ये बना लिया है। हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, बहुत ही आसानी से बन गया है। व्यूअर्स, हमने एक ही से आपको दो तरह से बनाना सिखा दिया है। अब देखिए, हम दूसरे कलर का ग्रीन वाला सूख गया अच्छे से, इसको इस तरह से हटा लेंगे। बहुत ही आसानी से हट जाता है व्यूअर्स, कॉर्नफ्लोर है तो अच्छे से सूख जाता है। और ये देखिए, इस तरीके से हम इसे उखाड़ लेते हैं, कोई परेशानी, जहाँ जहाँ बारीक हमने फैलाया था, पतली लेयर हो गई थी, तो वो काफ़ी मुश्किल से हट रही है, उसे रहने देते हैं। ये देखिए, कितनी आसानी से हट जाता है। अब इसको भी एक ग्राइंडर में हम इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता, कभी भी सालों साल आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, ये सालों साल चलने वाला मटेरियल है। और ये मार्केट में 100 रुपये की इतनी छोटी सी बॉटल मिलती है, और ये आपने 5 रुपये में इसकी बना लिया है। देखिए ग्रीन वाला कितना खूबसूरत लग रहा है, हम आपको उसको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए, है ना कितनी ईजी रेसिपी भी, बस ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। जो जो पिसा नहीं है आप उसे छान लीजिए किसी छन्नी से, वैसे मोटा मोटा ही इस तरह से अच्छा लगता है ये। कभी के लिए बस इतना ही। ये देखिए, हमने कितने सस्ते में ये हमने 2 फाइन कलर ये फाइन एडिबल ग्लिटर्स बना लिए हैं केक डेकोरेशन के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को और देख भाई देख को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। थैंक यू।